हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान में भाजपा के ही सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में माता की पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। अनुराग ने जहां पर प्राचीन हवकुंड में आहुतियां डाली, वहीं कन्या पूजन करके माताजी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य विकास का रहा है और विकास भी आगे करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र आज एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनकर उभरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार वे जीत का चौका जरूर लगाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने पहले भी हमीरपुर को भाजपा का गढ़ बनाया, अपना आशीर्वाद लगातार दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी जनता आशीर्वाद देगी और चौका लगाएगी और हम फिर मोदी सरकार इस देश में बनाएंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम और उनके पोते कभी भी भाजपा के सदस्य नहीं रहे हैं, इसलिए भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कि किसने अब तक कांग्रेस ज्वाइन की? पंडित सुखराम जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बने थे, तो छोड़कर जाने की बात तो दूर की है। ना ही उनके पोते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, तो छोड़ के जाने की बात दूसरी है। जाने की बात तो तब हो जब ज्वाइनिंग की हो। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से जहां पर बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई, रेलवे ट्रैक का विस्तार, राष्ट्रीय मैचों के लिए बड़े बड़े स्टेडियम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, कई अनगिनत कार्य शुरू किए गए हैं। प्रयास किया, देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स अस्पताल बिलासपुर में लेकर आए, 1350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज है। और इसके अलावा हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 150 करोड़ रुपए का बिलासपुर में लाए, 4 लेन हाईवे बिलासपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए का लेकर आए, और अब भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन बिलासपुर के लिए काम शुरू करवा दिया। क्रिकेट स्टेडियम जहां पर राष्ट्रीय स्तर के मैचेस होते हैं वो यहां पर बनाए, सिंथेटिक ट्रैक से लेकर स्विमिंग पूल, और अब ऊना में IIIT 300 करोड़ रुपए का इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन बनाना, 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना में लाना, हमीरपुर में 500 बिस्तर का अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, और ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन भी मंजूर कराई, 2 4 लेन हाईवे मंजूर कराए, 25 नेशनल हाईवे। अब मैं गिनाने लगूं तो शाम तक गिना सकता हूं। जरूरी यह है देश को मजबूत बनाएंगे और हमीरपुर को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे।